जय श्री राम। नमस्कार प्रिय साथियों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्योतिष केदार चैनल पर। आज का हमारा विषय तुला राशि पर। तुला राशि पर अप्रैल मास में क्या फल घटित होगा जानेंगे। प्रिय साथियों, जिस प्रकार ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक वर्ष से आपकी राशि पर केतु के गोचर होने के कारण आपको नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक तंगियों का आपका सामना करना पड़ रहा है। कारोबार में मंदी देखने को मिल रही है। शरीर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, यह फल आपके साथ घटित हो रहे हैं। परंतु यह मास में आपको क्या फल प्राप्त हुआ उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले दैनिक पंचांग जान लेते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें प्रिय साथियों। आपकी राशि का स्वामी आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा। आपके सप्तम भाव में सूर्य बुध का गोचर, आपके षष्ठम भाव में गुरु ग्रह का गोचर, पंचम भाव में शनिदेव का गोचर, आपके लग्न पर केतु का गोचर चल रहा है। प्रिय साथियों, आपके स्वामी का अष्टम भाव में गोचर होने के कारण आपको शारीरिक कष्ट तथा मानसिक तनाव बनेगा। स्वास्थ्य में हानि का योग बन रहा है। आप में गुस्सा अधिक करेगा। चिड़चिड़ापन अपने में देखने को मिलेगा। आपको जीवन में लाभ कम खर्चा अधिक करेगा। फालतू का खर्चा यहाँ पर होगा। आपको अत्यधिक गुस्सा होने के कारण आपको हानि का योग बन रहा है। परिवार में भाई बंधुओं के साथ तनाव एवं लड़ाई झगड़ा रहेगा। अत्यधिक क्रोध से हानि होगी। आपको जीवन में अनचाहे उलझनों का सामना करना पड़ेगा। अंत में पाए जरूर जान लें। ग्रह के अनुसार फल जानते हैं। आपकी राशि का स्वामी का यह फल है। आपके पंचम भाव पर शनिदेव स्वराशिगत गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव आपको विद्या बुद्धि में विकास करेगा, धन का लाभ प्राप्त कराएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि लाभ पर पड़ रही है। आपको जीवन में लाभ इत्यादि का सुख मिलेगा। साथ में आपको जमीन भान इत्यादि में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इनमें आपको सुख भी प्राप्त हो सकता है। प्रिय साथियों, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी भी यहाँ पर शनि देव ही है। यहाँ पर आपको शुभ लाभ प्रदान करेगा। आपके षष्ठम भाव में गुरु ग्रह स्वराशिगत गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको गुरु कंपटीशन के योग बनाएगा। कारोबार में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। यदि आप नौकरी प्राप्त कर रहे हैं तो नौकरी प्राप्ति में आपको कंपटीशन में सफलता प्राप्त कराएगा। इस मास में आपके शत्रु भी अधिक बढ़ेंगे। प्रिय साथियों, आपके सप्तम भाव पर सूर्य बुध राहु का गोचर है। सूर्य यहाँ पर ऊंच का होकर गोचर करेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यहाँ पर सूर्य आदित्य योग बना रहा है। इस योग का फल अत्यंत शुभ माना जाता है। योग के बनने से आपको समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कारोबार में उन्नति देखने को मिलेगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। यहाँ पर सूर्यादित्य योग आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। प्रिय साथियों, लगन भाव में केतु और सप्तम भाव में राहु, आपको अनचाही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कारोबार में आपको अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। सफलता के बाद भी आपको पूर्ण अधिक मेहनत के बाद भी आपको पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त होगी। प्रिय साथियों, यहाँ पर राहु केतु का आपको यह फल प्राप्त होगा। इनके दान पुण्य करें आपको इनका शुभ फल प्राप्त होगा। आपके भाग्य भाव पर मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल आपको मध्यम फल देगा। आपको धन धान्य का लाभ प्राप्त करेगा, पर मेहनत एवं संघर्ष के पश्चात ही आपको धन धान्य का लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं उपाय इत्यादि की। आपको क्या उपाय करनी चाहिए इस मास में। पहले सबसे पहले तो आपकी राशि का स्वामी जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर आपको शारीरिक कष्ट तथा नाना प्रकार के दुखों का सामना कर रहा आएगा। कारोबार में मंदी देखने को मिलेगी। यह ग्रह को आप पॉजिटिव फल में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार के दिन गौशाला में आटा दान करें तथा 7 साल से कम आयु की कन्या को मिष्ठान एवं दक्षिणा दें। ऐसा करने से आपको शुक्र का शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र देव है। शुक्र सुखों को देने वाला है। प्रत्येक सुखों को जो भौतिक जीवन के हमारे सुख हैं इनको शुक्र देव ही देने वाला है। इसलिए आप इनको पॉजिटिव करें, दान पुण्य करें, शुक्र ग्रह को पॉजिटिव करें, उसका पॉजिटिव फल प्राप्त करें। आपके राशि पर केतु का गोचर है। आपके सप्तम भाव में राहु का गोचर है। इसके लिए आपको गौशाला में सप्तधान्य दान करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा और कुष्ठ आश्रम में अन्न दान करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। शनि और बुधवार के दिन नीला काला कपड़ा ना पहने, ये आपके लिए शुभ नहीं है। प्रिय साथियों, ये उपाय करने से आपको जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका समय शुभ रहे। नमस्कार प्रिय साथियों।